मध्य प्रदेश शासन ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाई है। इसी साल 7.5 लाख नौजवानों को ट्रेनिंग करना और उनको नियोजन करना, एम्प्लॉयमेंट देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर ले जाना, एक एम्बिशियस टारगेट उन्होंने रखा है। इस टारगेट को पूरा करने में भारत सरकार और इंडस्ट्री ग्रुप, देश भर की इंडस्ट्री समूह भी उसमें साथ देगी। मध्य प्रदेश देश की एक इम्पोर्टेंट स्टेट है, यहाँ की लोकल मार्केट, यहाँ से जो कामकाजी लोग बाहर की मार्केट में जाते हैं, अगर यहीं से स्किल होकर जाएंगे तो देश की इकोनॉमी को भी लाभ होगा। इसलिए मध्य प्रदेश स्किल इकोसिस्टम पे एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है और इन्होंने योजना भी ठीक से बनाई है, अथॉरिटी भी ठीक से बनाई है और यहाँ की टीम भी अच्छी है। क्रिस्प उसकी एक नोडल एजेंसी प्रकार काम कर रही है। इंडो जर्मन कोलाबोरेशन पे ये बना हुआ पिछले 20 साल से अच्छा काम कर रहा है। इसको मैंने आज थोड़ा समझने का कोशिश किया, यहाँ की अधिकारियों को मिला, मध्य प्रदेश की इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो क्या बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया है।